हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बितंकुर में। 2019 की बात करें तो ये साल काफी अच्छा साल रहा था। नोटिफिकेशन के मामले में बहुत सारे नोटिफिकेशन 2019 में देखने को मिले थे और सेम 2023 में भी काफी सारे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले हैं। अब कौन कौन से नोटिफिकेशन 2023 में आए हैं? IBPS RRB, IBPS PO क्लर्क SO, SBI PO, SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड B, LIC AAO, LIC ADO, IDBI के 2-3 नोटिफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर से नोटिफिकेशन प्लस कुछ अदर्स नोटिफिकेशन भी 2023 में देखने को मिले हैं। अब 2024 की बात करें कि इस साल कौन कौन से नोटिफिकेशन और वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, तो उसमें से आपका IBPS, RRB, IBPS, PO क्लर्क, SO, SBI, PO, SBI क्लर्क, ये नोटिफिकेशन तो आपके फिक्स हैं कि आने ही आने हैं। जिसमें से IBPS के जो नोटिफिकेशन हैं वो कैलेंडर के अनुसार अपने टाइम पर देखने को मिल जाएंगे। SBI, PO, SBI क्लर्क का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है क्योंकि इनका कोई कैलेंडर नहीं होता है, किसी भी मंथ में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, 2024 के सेकंड हाफ में ही आप SBI, PO, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन मानकर चलिए। पिछले 2-3 साल में IDBI के लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन भी 2024 में हमें देखने को मिल सकते हैं। और हर साल फिक्स नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ अदर्स नोटिफिकेशन आते ही आते हैं, तो 2024 में भी आपको कुछ अदर्स नोटिफिकेशन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। उसमें से इंश्योरेंस सेक्टर के भी नोटिफिकेशन होंगे। और मैंने आपको पिछले साल भी कहा था, पिछले के पिछले साल भी कहा था कि हर साल की शुरुआत के जो 3 से 4 महीने होते हैं ना, ये तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जून जुलाई के बाद जब एक बार नोटिफिकेशन और एग्जाम्स की शुरुआत हो जाती है ना, उसके बाद तैयारी के लिए टाइम नहीं रहता है, फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम रहता है। अब आप 2023 के मैक्सिमम प्री रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि प्री रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए कितना समय मिला है। 8, 10, 12 दिन, मतलब जिस एग्जाम से आपको सिलेक्शन मिलना है उस एग्जाम की तैयारी के लिए कितना समय रहता है? 10, 12, 15 दिन का समय। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि साल के शुरुआत के जो 3 से 4 महीने की तैयारी है, खासकर मेंस की तैयारी, अगर वो आपने कर लेना तो वो तैयारी पूरे साल के एग्जाम में आपके काम आएगी। फिर तो जब नोटिफिकेशन और एग्जाम्स लगातार आएंगे ना, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स 2024 के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो नोटिफिकेशन तो आएंगे ही आएंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और एक और रिमाइंडर आप सभी के लिए, गाइडली पर महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो आप कोई भी प्लान लेना चाहते हैं, सुपर प्लान, पीडीएफ बंडल कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज, आप कोड PM10 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और रिमाइंडर, गाइडली पर एक बड़ा इनिशिएटिव आने वाला है, गाइडली ड्रीम प्रोजेक्ट। आपने देखा है कि गाइडली पर अभी तक जितने भी इनिशिएटिव आए हैं बहुत ही शानदार रहे हैं, चाहे वो कॉन्टेंट के मामले में हो या प्राइस के मामले में हो। और ये जो इनिशिएटिव है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो 13 मार्च में आप जरूर जुड़ें यूट्यूब पर, गाइडली के चैनल पर। बाकी 2024 के एग्जाम्स के लिए कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।